हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल धीरे श्रीपाली। तो भाई लोग, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, यहाँ पे बढ़िया तरह से स्नो हुआ है और उसी स्नो को हमने मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट शिफ्ट प्लान की है, जो कि यहाँ के लोकल साइट एरिया का ही होगा। और ये हुआ है यहाँ का स्नो। तो फिर चलते हैं, यहाँ का लोकल एरिया करते हैं एक्सप्लोर। और ये है बाहर का व्यू। हम लोग अभी बाहर आ गए होटल से और ये स्नो है सारा, बहुत काफ़ी ज़्यादा स्नो हुआ है रात में। ये देखो, ये होटल के नीचे खड़े हैं हम लोग। हेयर भी है वार रूम। यहाँ से फोर्थ फ्लोर पे अपना रूम है, जहाँ से मैंने अभी आपको दिखाया था कि यहाँ पे स्नो गिरा हुआ है। ये सीधा पार्किंग दिखाई देती है रूम से। ये भी दिखा रही है सुबह बाद, है ना? हाँ। और ये आ गई अपनी गाड़ी, इस पर भी स्नो काफ़ी सही गिरा हुआ है। हाँ, नो प्रॉब्लम। अंदर गई। ये पूरा यहाँ पे सफेद था, मैंने बोल किया है यहाँ पे बड़ा गाड़ी साफ करने का ही बड़ा इश्यू। और अब हम लोग इस टनल में से निकलेंगे। ये टनल पहाड़ों के बीच से निकला हुआ है, देखो क्या व्यू है। हम आए यहाँ पे एक ट्रेडिशनल शॉप पे, वियरिंग शॉप पे, जहाँ पे हम लोग पहनेंगे अनबॉक, जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल क्लोथ्स है। ये सारी शॉप है, सब रेंटेड है, यहाँ पे सब रेंट पे मिलता है। अंदर नहीं जाना है ना, अंदर जाना कंफर्टेबल नहीं होगा। किधर अमन थाम्बा, तुम ग्लव्स को लेके आए हो? ठंडी से बचने के लिए। चलो आगे चलो। और ये है यहाँ का ग्योंगबोकगंग पैलेस, जहाँ पे पहले के राजा महाराजा यहाँ पर रहा करते थे। और ये जो सामने जा रहे हैं, इन्होंने हांगबोक पहना हुआ है, जो कि ट्रेडिशनल यहाँ पे क्लोथ है, जो हमने भी पहना हुआ है। ये सारा अभी नया बना है, जब जापानीज लोग यहाँ पे रूल कर रहे थे तो इन्होंने सारा तोड़ दिया था। 80% जो भी आपको कंस्ट्रक्शन दिखेगा, दिस इज बिल्ट रिसेंटली 10-20 ईयर्स। 80%? हाँ। अच्छा।
इनकी दाढ़ी असली निकली है, दाढ़ी असली निकली है, इनकी कब जाने लगी। चलो अंदर चलते हैं, चल के देखते हैं अंदर, काफ़ी अंदर तक जाके है ये तो अभी बस स्टार्टिंग है यहाँ की, अंदर तक जाना पड़ेगा हमें और क्रॉस करके इसको। ऐसा कौन सा महल होता है जहाँ अंदर जाते रहो और ठंड पड़ेगी। यहाँ पे एक सबसे मेन गेट है दोंगनेमुन गेट, वहाँ हम कल जाएंगे। तो वो पुराना है हेरिटेज, तो जापानी सब आकर के इतने हरामी थे सब तोड़ दिए। अच्छा, 80% कोरिया का वो लोग गुजर। बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, आप ही आओ भैया अंदर। आप ही आओ, चलूँगा मैं इसलिए आप लोग से बार बार पूछ रहा हूँ कि अंदर जाने का, हमें बहुत अंदर जाना है, फिर वापस आना है 2 घंटे के अंदर, तो ये रिटर्न करना इस वजह से। तो आपको ठंडा अगर लगेगा तो हम अभी रिटर्न करके वापस टिकट लेके जा सकते हैं, क्योंकि अच्छा। ये टिकट पॉइंट है। हाँ फिर सही है, फिर ऐसे ही चलते हैं ना, ये टिकट पॉइंट है। यहाँ से अंदर जाएंगे तो काफी अंदर जाना पड़ेगा, देख के आना, टिकट लेना पड़ेगा। टिकट तो मैं ले लूंगा आप। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं ये रिटर्न करके आते हैं, जगह पहन के फिर चलते हैं। फोटो ले लीजिए, फोटो काफी लेके कपड़े पहन के फिर अंदर चलते हैं, क्योंकि अंदर जाएंगे तो मुझे पता है कि ठंडी लगेगी। और ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोरिया की गवर्नमेंट के लोग, और एक ये खड़े हैं यहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं। चढ़ के झटके में मारिए तो पूरा गिरेगा। ऐसा लगा तुम अपने टूर पे निकले हो। सिगरेट पी सकते नहीं। और अभी हम लोग जा रहे हैं, ये जो हमने रेंटेड कपड़े लिए हुए हैं इनको रिटर्न करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रेंट इनका बढ़ता जा रहा है। 2 घंटे के हिसाब से हमने लिए थे और मजे मजे में ज़्यादा टाइम हो गया। ऐसा लग रहा है हम अपने गांव की सैर करने निकले हैं और पीछे इनके प्रजा और सेनापति आ रहे हैं। और ये सब लोग यहाँ खड़े होके सुट्टा और कॉफ़ी पी रहे हैं, यहाँ ऐसा चाल चलन है। लेकिन तो हम लोग रेंटेड महंगे कपड़े वापस करके अपने नॉर्मली जो कपड़े पहने हुए थे उसमें आ गए हैं, और ये लोग कुछ अपनी तरफ से एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच सकें। कब्र है क्या? राजा वहाँ बैठते थे। हाँ, इनके जो सभागार थे वहाँ बैठते थे, इनका मुझे से आपस में करता राजा साहब ने तो ये क्या बना रखा है इनके नाम से, किसकी रैंक कहाँ पे है, उस रैंक के लोग सामने बैठते। ये कौन खड़ा सामने? सामने राजा साहब। राजा की कथा है वो देखने के लिए। तो फाइनली इतना चलने के बाद हम लोग आ गए हैं ग्योंगबोकचंग पैलेस, यहाँ पे राजा बैठा करते थे। जो
व्यू है, लेक के बीच में बना हुआ है। स्नोफॉल हो गया ना तो उसकी वजह से और ज़्यादा कैची लग रहा है ये सारा 360 व्यू अंदर से, पूरा पैलेस का व्यू है। ये पहले का भैया ऐसा जगह था जो नीचे के वर्कर लोग थे ना, थोड़ा ऑफिशियल से भी नीचे उन लोग के लिए हैंगआउट का प्लेस था, थोड़ा ड्रिंक ड्रिंक करके जा रहे हैं। तो भाई लोग व्लॉग हो रहा है ज़्यादा लंबा, तो व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे, इसके आगे जो भी हम देखेंगे जो भी आपसे शेयर करता रहूँगा। टिल देन खाओ पियो जिम करो।